दुनिया ने सुबह सुबह उठते ही जब ये तस्वीरें देखी और ये खबर पढ़ी तो पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। अमेरिकी संसद के बाहर और अंदर हिंसा में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ रॉबर्ट कार्ल्टन ने कहा मेडिकल इमरजेंसी की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक महिला और 2 पुरुष हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रशासन अधिकारियों ने किसी मौत की पुष्टि नहीं की है। न्यूज एजेंसी की माने तो मरने वालों की संख्या 4 बताई जा रही है। ये दुनिया के वो सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश की तस्वीरें हैं जिसकी सीख हमें आज तक पढ़ाई जा रही है। ये अमेरिकी संसद जहाँ ट्रंप के समर्थकों ने इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि ट्रंप को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ट्रंप मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी हार हो चुकी है। जब आज बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने का औपचारिक ऐलान हो रहा था तब ट्रंप ने रैली बुलाई और अपने समर्थकों को भड़काया। गुंडों की तरह संसद पर ट्रंप के लोगों ने संसद पर कब्जा कर लिया। कैपिटल बिल्डिंग के भीतर दंगाई घुस गए और भयानक तोड़फोड़ करने लगे। स्पीकर की कुर्सी पर चढ़ गए और चिल्ला चिल्ला कर ट्रंप की जीत का ऐलान कर रहे थे। ट्रंप अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके पास 20 जनवरी तक का समय है। ऐसा लग रहा है वो उच्च कोटि का ड्रग्स लेकर बैठे हैं। वो किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। वो ये सब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके भी भक्त बहुत हैं जो ट्रंप की भक्ति में इस कदर लीन है कि उसके कहने पर वो खुद को भी मार डाले। और उसके भक्तों की संख्या भी ज़्यादा है, यानी उसके पास एक ऐसी भीड़ है जिसके दम पर वो कुछ भी कर सकता है। अब जरा सोचिए, अपने भी देश में अंधभक्ति इस कदर हावी है कि लोग नेताओं को भगवान मानते हैं, उनके मंदिर बनवा लेते हैं। अब जब सत्ता का परिवर्तन होगा और किसी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होगी तो भक्ति में लीन भक्त जब पागल हो जाएंगे तो हमें इससे भी ज़्यादा भयानक तस्वीर देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप जानते ही हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप किसने कहा था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पैदा हुए हालात पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वाशिंगटन डीसी में हुई हिंसा और दंगा फसाद से चिंतित हूँ। सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण और तय प्रक्रिया के मुताबिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके पर गैरकानूनी प्रदर्शनों का असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 60 से ज़्यादा किसानों की मौत पर आपने एक भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन दूसरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात पर उनके मौत पर आप ट्वीट कर दिए। क्या खुद के लोगों से ज़्यादा दूसरों की चिंता है आपको? ये सवाल है सभी का और मेरा। जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।